हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा बड़ौदा बैंक की केवाईसी अपडेट कैसे करें। तो मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर नहीं तो आपको इसमें रियल जानकारी मिलेगी, फेक जानकारी नहीं मिलेगी। तो फोन की स्क्रीन पर चल के मैं आपको बताऊँगा। तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो उसमें फेक जानकारी आपको बताई जाती है, तो इसमें रियल जानकारी मिलेगी और आज की डेट स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो ये रियल जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं होता कि यूट्यूब पे बताते हैं वो स्किप करके बता देते हैं तो फेक वीडियो रहता है। तो ये इस वीडियो को देख लो, आपकी मर्जी, नहीं देखना तो नहीं, पर इसमें सही जानकारी आपको मिलेगी। तो इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एंड तक जरूर देख लेना, तो आपको सच्चाई वीडियो की लास्ट में मिल जाएगी, सच्चाई में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। तो अब चलते हैं फोन की स्क्रीन पर और KYC अपडेट कैसे कर रहे बैंक ऑफ बड़ौदा की, जो कि आपके पास इस तरह से मैसेज आया होगा, वो आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, आप सबको आएगा। तो अभी नए नए अपडेट करवाना, DBT भी उसमें ही हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ फोन की स्क्रीन पर चल कर। गाइस मैं आ चुका हूँ फोन की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ चुटकियों में। तो उसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर खोलना पड़ेगा और तो क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करेंगे। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे KYC वेरीफाई अपडेट। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च कर देंगे KYC वेरीफाई, यहाँ पर सर्च करेंगे, ये मैं कर दिया हूँ अपडेट। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर खुल गए है ये वाली वेबसाइट, तो इसको ओपन करना है, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको कर लेना है ये, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, आप यहाँ पर सारा कुछ रीड कर लेना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर होना चाहिए और आपका वो होना चाहिए, OTP मांगेगा और आधार होना चाहिए, बैंक में आधार लिंक होना चाहिए तो ही होगा, वरना आपको ब्रांच से जाना पड़ेगा, ऐसे करके बताया जा रहा है यहाँ पर। जैसा कि ये देख रहे हैं आप पूरा रीड कर सकते हो आप सब लोग। तो यहाँ से फिर बाद में ओके करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ ओके करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपको अकाउंट नंबर दर्ज करना है और मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट के साथ है वही लिंक करना, दूसरा नहीं करना जो आधार के साथ है वो नहीं, तो दोनों एक ही है तो कोई बात नहीं कर सकते हो। तो फिर यहाँ से ओके का बताता हूँ मैं आपको, फिर यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर फिल करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर भर लिया हूँ, बाद में यहाँ पर नीचे क्लिक कर गेट OTP पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिटेल इस नोट में चुप करके ये लिखा हुआ है कि आप पढ़ भी सकते हो, मैं जूम करके बता देता हूँ आपको, ये जो मजा नहीं हो रहा गाइस। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि डिटेल दिस नो नॉट मैच, तो ये उसका बोलने का मतलब है कि पहले हो जाता था अभी नहीं होता, अभी बैंक के तरफ से बंद कर दिया गया है। अगर आपको KYC अपडेट करवाना हो तो बैंक में ही जाना पड़ेगा या फिर जो ID लेके रखते हैं जो कि पैसे निकालने की वो कर देंगे, तो वहाँ जाके आधार लेके जाना तो फिंगर से कर देंगे, और जहाँ वहाँ भी वो आप पैसे निकालते वहाँ पर नहीं होगा, आप जो बड़ौदा बैंक का जो जहाँ पे होगा वहीं पे जाएंगे तो वहीं पे होगा, दूसरी जगह पे नहीं होगा। तो जाके ज़बरदस्ती परेशान मत होना जहाँ पे ID लेके रख रहे क्योंकि वहीं पे होगा। तो ये सारी कुछ जो भी जानकारी यूट्यूब पे देते हैं ऐसा करो वैसा करो, तो ये आपकी KYC हो जाएगी, KYC हो जाएगी बोलते हो वो, ऐसा कुछ नहीं होता, बैंक में पहले होता था पर अभी नहीं होता, और कभी वापस से उन्होंने बंद कर दी गई वेबसाइट, तो अगर वापस से कभी होगी वापस वेबसाइट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो।